बेमतलब की इस दुनिया में वही हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। ऐसा ही रिश्ता होता है एक पिता और बेटी का, वो लड़ती है झगड़ते हैं मगर उनमें प्यार भी उतना ही होता है। इसीलिए बेटी की शादी के समय सबसे पहले एक पिता की आंखों से पानी छलकता है, जिसे सीने से लगाया, जिसे चलना सिखाया, वही बेटी आज पराई होने का दर्द एक पिता ही बता पाता है। ऐसे ही किस्से और पिता बेटी की कहानी लेकर इस डॉटर्स डे आ रहा है BCN। इस डॉटर्स डे BCN पापा और बेटी के रिश्ते को, उनके कुछ पलों को आज हम आपके सामने ला रहे हैं। कहीं ना कहीं जितने भी उनकी कहानियां हैं, कुछ अच्छे खट्टे मीठे पल हैं, उनको आपके सामने BCN इस डॉटर्स डे पर पेश कर रहा है। और इसमें हम हैं रोकड़े ज्वेलर्स में, जहां पे हम एक प्यारी सी बेटी और उनके पापा के रिश्ते के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं उनके पापा से कुछ पूछूंगी, कुछ सवाल करूंगी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी बेटी है, बहुत ही प्यारी सी बेटी है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपका जो है बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बारे में आप क्या बताएंगे? बड़ा अच्छा लगता है जो भगवान ने मुझे पहले से बेटी दी है। ये तो सही में सात रंगों की खुशी आती है जब घर में रहती है। घर में रहने के बाद तो घर पूरा चहकता है, महकता है, और ये बेटी घर में रहने का जो सुख है वो अलग ही है। जब भी मैं घर में आता हूँ तो सबसे पहले मुझे वो गले लगती है, पापा को सुबह शाम किस करती है। बेटी घर में आने के बाद दो कुलों का वो कल्याण करती है, जिस घर में जो वहाँ पैदा होती है वो घर तो वो करती है, जहाँ जाती है शादी के बाद वो भी घर उसे महकता है। और जैसे ही आप घर पे आते हैं तो किस वगैरह करती है, वो आपको हग वगैरह करती है, अच्छा तंग वगैरह भी करती होंगी बहुत ज़्यादा ये शायद आपको, तो मैं ऐसे कुछ पलों के बारे में जानना चाहती हूँ आपके, खट्टे मीठे कुछ पलों जहाँ पे आपने कभी डांटा होगा, तो कभी बहुत ही कुछ इनोसेंट सा आपकी बेटी ने किया होगा इसके बारे में। डांटने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि बेटियों की जो खुशी है ना वो छोटे छोटे चीज़ों में होती है। हमारे यहाँ एक पेट है तो उसको अगर साथ में मैं वॉक करने लेके जाऊँगा तो मैं समय ज़्यादा स्पेंड करूँ, वो चक्कर में बोलती कि आप साथ में चलो, तो उसमें उसको खुशी मिलती है, ना कि कोई गिफ्ट्स वगैरह में। वो मुझे बोलती कि पापा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आपका समय चाहिए, आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ मेरे पापा के साथ घूमिए, मुझे मेरे साथ खेलिए, मुझे आप समय दीजिए, उसी में वो खुश हो जाती है। कभी अभी जो कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी, मैं जानना चाहती हूँ आपको आपकी बेटी के बारे में, मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पता होगी पर ऐसे कुछ सिंपल सवाल हम स्टार्ट करते हैं उसके फेवरेट कलर से, उसका फेवरेट कलर। बट ऑब्वियसली बहुत छोटी, इसके लिए इसका पिंक कलर ही फेवरेट है। यस, आपका पिंक फेवरेट कलर है, पापा ने सही बोला। और जब हम इसके फेवरेट कार्टून की वगैरह बात करते हैं तो इसका फेवरेट कार्टून, इसका फेवरेट कार्टून है पिग वाला, पिग वाला, पेपर पिग। कौन सा वाला? पेपर पिग। वो आपका फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है आपको। अच्छा, इसका अगर हम लोग कोई मूवी की बात वगैरह ले ले तो कोई हीरो या हीरोइन ऐसा फेवरेट ऐसा कुछ? इसको डिज्नी मूवी बहुत पसंद आती है, फ्रोजन करके खास करके। और जब हम लोग फूड की बात करें तो किस टाइप का फूड इसे सबसे ज़्यादा पसंद है? उसको बिरयानी काफ़ी पसंद है, वो उसको बहुत लाइक करती है, बिरयानी, पेस्ट्रीज, केक्स उसको बहुत पसंद है। अच्छा, अब एक और सवाल ये है कि हर किसी में कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, आपको आपकी बेटी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको वो इरिटेट करती है उस चीज़ से? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसकी अच्छी चीज़ें तो ये है कि मैं जब भी घर में जाता हूँ तो मुझे हग करके शुरुआत करती है, किसी करती है, बहुत मुझे प्यार करती है, ये सबसे अच्छी चीज़ उसकी है। और खाने में बहुत चूज़ी, ये सबसे गंदी चीज़ उसकी है। कहीं ना कहीं एक सोशली ये है, मिथ है, मतलब बोला जाता है कि अगर लड़की हो गई तो वो कहीं ना कहीं हम पे बोझ है, मतलब सोशली बहुत लोग अभी भी ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां हम पर बोझ है। इस डॉटर्स डे आप जितने भी BCN के दर्शक हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे ये जानना चाहूँगी। बड़े नसीब वालों को लड़की मिलती है, जिनके घर में लड़की है उसे अच्छा घर कोई हो नहीं सकता, लड़की घर में आने के बाद ही घर घर होता है, अदरवाइज घर घर नहीं रहता है। सुख शांति और जो घर में चहक होती है वो लड़की के आने के बाद ही होती है। तो जिस तरीके से आज डॉटर्स डे है, मैं जानना चाहती हूँ कि आज डॉटर्स डे के अवसर पर आप BCN के थ्रू अपनी बेटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर के देखे, उसे सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले नजर नीचे झुके।
बहुत खूब बहुत खूब। मतलब वो कहते हैं ना कि बेटियां तो है लम्हा खुशी का, वैसा ही कुछ आपने कहा और वैसा ही कुछ मैसेज भी दिया है कि जिस तरीके से लड़कियों का आना या फिर बेटियों का आना बहुत सारी खुशियां ला देता है, बस यही आशा है कि इस डॉटर्स डे जितनी भी बेटियां जो खुशी लाती है उनकी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आए।